ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे 14 अप्रैल के श्री वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें एक विधि सिखा रहे हैं कि कैसे कि हम सारे विश्व में और अपने साथ भी जो भी अड़चनें आती हैं उनको पार करें। और उसकी वो विधि है कि कब हमें मास्टर बन जाना है, किस अवस्था में, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में, किसके सामने, और कब हमें बच्चा बन जाना है। तो देखें आज परमपिता परमात्मा में क्या सिखाते हैं आज के इस स्पिरिचुअल नॉलेज में। बाबा कहते हैं, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भवा। ये डबल नशा क्या है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। मालिक और मालिक सो बालक हैं, यह है डबल नशा, कभी मालिक बन गए कभी बालक बन गए। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर अपने पॉइंट्स रखो, अपने आइडियाज रखो, अपने सजेशंस रखो औरों को, और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ कि अब मैंने जो बोला बोल दिया, शेयर कर लिया, अब उसे एक्सेप्ट करा जाए ना करा जाए, मेरे को जब बालक होकर के मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अगर डिजायर्स, मतलब कि अगर हमारे सोच, हमारे इच्छाएं पवित्र हैं, औरों के भले की इच्छाएं हैं, स्वार्थ नहीं है उसमें, तो वो जरूर एक्सेप्ट की जाती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। डबल नशा, निर्विघ्न मतलब क्या कि जहां पर हमें हाँ में हाँ मिलानी है बच्चा बनकर के, वहां पे हम क्या करते हैं, नहीं 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 मैंने जो कहा था वो ठीक था, देखा मैं तो कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं किया आपने, आपने मेरी बात माननी चाहिए थी, मैंने इतना अच्छे आइडियाज, इतने घंटों से मैं सोच रहा था क्या करना है क्या करना है, और मैंने इतना किया लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में या उस मेले में। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे करने से आप निर्विघ्न नहीं बनेंगे, और लोग आपसे तंग आएंगे और लोग आपको अहंकारी समझेंगे, क्योंकि आप उस समय बच्चा नहीं बने, आप उस समय बन गए मास्टर। तो कहाँ मास्टर बनना है, कहाँ बच्चा बनना है, उसको हमें परखना बहुत जरूरी है। ऐसी आत्माओं को टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन फिर बाबा कहते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, यानी कि हम तो पार हो जाएं, हमारे सारे जो पवित्र इच्छाएं वो पूर्ण हो जाएं और हम तो ठीक हो जाएं, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक और आत्मा को, अपने जो भाई बहन है उनको भी ये तरीके से हेल्प करना उनको। कई सारे लोग जॉब में तंग आए रहते हैं, कई सारे लोग बिजनेस में तंग होते हैं, कई सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स में, फैमिली में तंग होते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि कब मुझे मास्टर बनना है, कब मुझे बालक बनना है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे भाई बहन का रिलेशनशिप, भाई भाई का रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी माता पिता बच्चे का रिलेशनशिप हो, फिर सारे विश्व के विघ्न विनाशक बनना है, विश्व परिवर्तक हो, जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। शक्तिशाली मतलब ये है कि स्मृति रहना कि कब मास्टर बनना है और कब बच्चा बनना है। और अगर हमारे जो इच्छाएं पवित्र हों, जिसमें सबका भला हो लिखा हुआ हो, तो ऑटोमेटिकली हम मास्टर बन जाते हैं और हमारी बात मानी जाती है। लेकिन ये पवित्र सोच कैसे हो, इच्छाएं पवित्र कैसे हों, इसके लिए आपको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का 7 डे कोर्स करने के बाद में और गहराई में जाना होगा। इसके साथ ओम शांति।